हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्सल्य लर्निंग सॉल्यूशंस। आई एम भव्या और आज मैं आई हूँ आपकी अकाउंटेंसी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन, और उसमें हमने बनाना सीखा था PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो आज हम सीखेंगे कुछ आइटम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PNL अप्रोप्रिएशन के अंदर, कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो हमारा पहला आता है रेंट और सैलरी। रेंट और सैलरी अगर एम्प्लॉय की होती है, लाइक आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, लाइक 1200 पर मंथ रेंट टू बी गिवन टू एन एम्प्लॉय, या फिर 1200 पर मंथ सैलरी टू बी गिवन टू अ पार्टनर। हमेशा 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 एक बात का ध्यान रखो कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो होगी आपकी अप्रोप्रिएशन। पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें आपकी अप्रोप्रिएशन होंगी, और एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीजें आपकी चार्ज होंगी। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने अप्रोप्रिएशन और चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था। अप्रोप्रिएशन वो चीज है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ही प्रोवाइड करनी है, और जितना प्रॉफिट होगा उतनी ही देनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 10,000 की सैलरी पे ऑफ करनी है और आपके पास 8,000 का प्रॉफिट है, तो आप बस 8,000 की सैलरी पे ऑफ कर दोगे पार्टनर को, बस बाकी खत्म, ठीक है। और अगर आपके पास चार्ज है तो आपको वो पे करना ही करना है, वेदर आपके पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सेम एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो मतलब आपको 8,000 का प्रॉफिट है और 10,000 की सैलरी पे करनी है, तो आप 10,000 की सैलरी पे कर दोगे और 2,000 का आपको नेट लॉस हो जाएगा, बट आप पे पूरा ही करोगे, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, रेंट सैलरी अगर आपको एम्प्लॉय को देनी है देन यू विल ट्रीट इट एज अ चार्ज, और अगर आपको पार्टनर को देनी है देन यू विल ट्रीट इट एज एन अप्रोप्रिएशन। लास्ट क्लास में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि चार्ज कहाँ जाते हैं PNL अकाउंट में, और अप्रोप्रिएशन कहा जाती है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आई थी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था वो आपका इस पूरे चैप्टर के लिए बेस है। अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड वॉच। अब आपको क्वेश्चन में कभी कभार दिया होता है रेंट इज टू बी पेड मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये बहुत बेसिक सी बात है बट कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको यहां पर एक बार क्लियर कर देती हूँ। अगर लेट से आपको क्वेश्चन में गिवन हो 2000 रेंट पर मंथ, तो 2000 पर मंथ है तो साल का कितना होगा, इंटू 12, क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। फिर आपको दिया हुआ है 2000 पर क्वार्टर, तो क्या करोगे, एक साल में इसको आप इंटू 4 कर दोगे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून ये क्वार्टर हो गया, बेसिकली 3-3 मंथ्स के जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो ऐसे करके टोटल 4 क्वार्टर्स बनते हैं हमारे साल में, ठीक है। और जब आपको दिया होता है हाफ ईयरली, जब आपको दिया होगा हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद, और एक साल में टोटल कितने 6 महीने आते हैं, 2, तो आप इंटू कर दोगे 2। आपके कोर्स में यानी क्लास 12th में आपको सिर्फ यही 3 चीजें दी जाएंगी, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, जिसका आपको ध्यान रखना है कि एक साल में ये चीज कितनी होती है, लाइक एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। ये तो बात हुई रेंट और सैलरी की। फिर आता है कमीशन। बेसिकली ये कमीशन वाली जो चीज है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, जहां पर अगर आपको याद हो तो हम उसमें रेट में प्लस कर देते थे। अब हम ऐसा क्यों करते थे, इस चीज को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है पार्टनर्स का कमीशन और एम्प्लॉय का कमीशन, ठीक है। बिना सोचे समझे ये वाला रूल अप्लाई करो, पार्टनर की कोई भी चीज अप्रोप्रिएशन, एम्प्लॉय की कोई भी चीज चार्ज, ठीक है। चार्ज कहां जाएगा PNL में, अप्रोप्रिएशन कहां जाएगी PNL अप्रोप्रिएशन में, फाइन। अब आता है कि कई बार आपको क्वेश्चन होता है कि पार्टनर हैज टू बी गिवन कमीशन आफ्टर
पार्टनर हैज टू बी गिवन 5% ऑफ कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टरवर्ड. पहली चीज तो ये कमीशन लगता किस चीज पर है. अगर पार्टनर का केस होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट पर लगेगा, और अगर इंप्लॉई का केस होगा तो नेट प्रॉफिट पर लगेगा. क्यों? क्योंकि जो पार्टनर का केस होता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हमें मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट. जो भी जिस भी अकाउंट में आप इन सब चीजों को डाल रहे हो, एंड में जो प्रॉफिट बचता है उसका कुछ परसेंट जो है वो हम पार्टनर या एम्प्लॉय को देते हैं. तो कमीशन गिवन टू एन एम्प्लॉय, जब आप एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हो तो वो नेट प्रॉफिट में से निकलेगा, और जब आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो वो डिविजिबल प्रॉफिट में से निकलेगा. अगर आपको बोला है कि बिफोर चार्जिंग बहुत सिंपल है. लेट अस से कि आपका 20,000 रुपए का प्रॉफिट है और उसने आपको बोला है 5% कमीशन देना है, 5/100. बस सिंपल, कोई वो इसमें सीन नहीं होगा. आपने सिंपल इसको कट करा, 1,000 रुपए आपकी आ गई कमीशन. अब उसने बोला है 20,000 जो है वो आपका प्रॉफिट है और आपको 5% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो इसमें हम प्लस क्यों करते हैं? मतलब वो कह रहा है कि उस प्रॉफिट का, बेसिकली उस प्रॉफिट का 5% जो ऑलरेडी वो कमीशन माइनस करके आई हुई है, और हमारे पास 20,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, और वो कह रहा है कि 20,000 में से भी कमीशन माइनस करके जो आ रहा है उसका 5% आपको लेना है. अब आपको तो नहीं पता कि कमीशन कितना है, तो इसकी एक बहुत लंबी डेरिवेशन होती है जिसमें हम कमीशन को एक्स ले लेंगे. लेट द कमीशन बी एक्स, 20,000 माइनस एक्स इंटू 5/100. तो ये एक पूरी बहुत लंबी डेरिवेशन होती है. अगर किसी को वो समझनी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पर्सनली उसको वो डेरिवेशन पूरी एक्सप्लेन करूंगी. बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ईजी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती. तो उस डेरिवेशन से ये प्रॉपर फॉर्मूला निकल कर आया है, प्रॉफिट इंटू रेट और अपॉन 100 प्लस रेट. अगर यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग का केस होता तो हम क्या करते, 20,000 इंटू 5/105 कैसे, 100 प्लस 5, 105. ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया. रेंट और सैलरी का सीन जो है, और कमीशन में ये चीज बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको. 99% केसेस में आफ्टर चार्जिंग आता है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको आफ्टर चार्जिंग का ही सीन आएगा. बट स्टिल बहुत ध्यान से पढ़नी है कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है. ये दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. फॉर्मूलाज में ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में अपने आप सेट बैठ जाएगा. फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लाइक क्वेश्चन ने आपको बोला हुआ है इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय ए ₹10,000, दैट्स इट. क्वेश्चन ने और कुछ नहीं बोला कि इंटरेस्ट पे क्या रेट ऑफ लोन, मतलब बेसिकली जो लोन है उस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने टाइम पीरियड का है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं लेना. सिंपल 6% लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर क्वेश्चन ने नहीं लिखा और आपने भी नहीं लगाया, आप 6% इंटरेस्ट लगाना भूल गए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. 6% इंटरेस्ट लगाना लोन के ऊपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है. फाइन, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं लगता. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा याद रखना ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल पर लगता है. अगर मैं कहूं मेरे को क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है, अब आपको ये तो निकालना आता है ना कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक कैसे जाते हैं. जो क्लोजिंग कैपिटल होती है उसमें क्या क्या चीजें एड ऑन होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर कोई एडिशनल कैपिटल है प्लस माइनस अगर कोई ड्रॉइंग्स है प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस है, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल. अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी होगा कि आपको बैलेंस शीट दी होगी या फिर क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, आपको क्लियरली डेट मेंशन होगी, इस चीज पे ध्यान रखना. ऐसा नहीं है कि जहां पर भी कैपिटल देखी चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया. नो, ऐसा आपको नहीं करना है. आपको प्रॉपरली डेट देखनी है कि क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है. अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले आप इस फॉर्मूला के थ्रू ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे. ठीक है, अगर किसी को अभी भी इसमें कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको और क्लियर करूंगी. और अब इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं, अगर किसी को ये चीज क्लियर नहीं है तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद एक छोटे से टॉपिक में आपको समझाती हूँ कि कैसे इंटरेस्ट लगाना है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके.
ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे कैसे इंटरेस्ट लगाना है ये सीखेंगे, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, जैसे मैंने आपको कहा था, अब हम कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले यार मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चैप्टर ना वैसे कम मार्क्स का है, बट इसमें कंसेप्ट्स इतने सारे हैं और एक ही क्वेश्चन में आपसे सारे कंसेप्ट्स पूछ लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल कंसेप्ट्स। अब जैसे आज आप ये कंसेप्ट कर लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आपको लगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इतना कम मार्क्स का ही तो आना है ये चैप्टर। नहीं, ये सिर्फ मैं आपको एडजस्टमेंट का एक पॉइंट करवा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर बहुत ईजी है, सब कुछ बहुत सही है, बट इसमें कंसेप्ट छोटे 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 समझने वाले बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अभी हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, गारंटी के क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के क्वेश्चन, ये सब करेंगे, तब जाके हम एक फुल फ्लेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाएंगे। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने हमें दिया है क्लोजिंग कैपिटल 70,000, क्लोजिंग कैपिटल की डेट दी हुई है 31 मार्च 2015, ड्रॉइंग्स दी हुई है 20,000 की, एडिशनल कैपिटल दी हुई है 10,000 की जो हमने इंट्रोड्यूस करी है 1 अक्टूबर 2014 को, और प्रॉफिट दिया हुआ है 5,000। अब कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, अरे वाह बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को आया, चलो जी फटाफट कर दिया, 70,000 का 5% प्लस 10,000 का 5%, चलो जी क्वेश्चन कंप्लीट। नहीं, ये गलत हो जाएगा, मैंने बहुत क्लियरली बोला है, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे निकलता है, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल पे लगा दोगे तो आता हुआ क्वेश्चन काट, जीरो, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट है इसलिए मैं प्रॉफिट लेकर चलूंगी, प्लस प्रॉफिट। अब इससे मैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूंगी, सारी चीजों को इधर ले जाओ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। आई होप ये सिंपल एक मैथ्स की इक्वेशन है, ये आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसमें मैं सारी चीजों को पुट कर दूंगी, 70,000 माइनस एडिशनल कैपिटल है 10,000 की प्लस 20,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 70,000, 10,000 60, 60 प्लस 20 80, 80 में से 5 गए 75,000, ये है मेरी ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालूंगी अब मैं, 75,000 इंटू 5/100। अब टाइम पीरियड, वाई पर एनम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है मतलब मैंने इसको कब से यूज किया है, 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक, टोटल कितने पीरियड हो गए, 12 मंथ्स इंटू 12/12, मतलब पूरे एक साल की लगेगी। प्लस मुझे करनी है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है 10,000 की, 10,000 इंटू 5/100। अब इसको मैंने कब इंट्रोड्यूस किया है, 1 अक्टूबर को, मतलब मैंने इस पैसे को बिजनेस में कब तक यूज किया है, 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 31 मार्च 2014, काउंट करो कितने मंथ्स हो गए, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, टोटल कितने मंथ्स यूज किया है मैंने इसको, 6 मंथ्स, तो मैं इसमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाऊंगी इंटू 6/12, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 0 से 2 0 by 50 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 250, और यहां पर आ जाएगा 2 0 से 2 0 by 75 5 25 3 7 50 प्लस 250, यानी कि 4,000 आ गया आपका फाइनल आंसर। सो गाइस, 4,000 है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस ये था कि मैं मेन आपको दो बातें सिखाना चाह रही थी, कि कई बार बच्चे एक्साइटमेंट में आके या नर्वसनेस में आके ये गलती कर जाते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं,
या फिर एडिशनल कैपिटल की डेट नहीं देखते कि भाई कब इंट्रोड्यूस किया, उस पर पूरे साल का लगा लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए हमेशा दो चीजें अपने दिमाग में रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है प्लस सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए लगता है जितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा हमने बिजनेस में यूज किया है। और एक बात, ये बात 11th में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी बट स्टिल इसको हम देखते हैं। अगर यहाँ पर एनम वर्ड ना गिवन होता, पर एनम वर्ड ना गिवन होता, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में, रेंट में, सैलरी में, कहीं पर भी पर एनम, पर मंथ, कोई भी ऐसा वर्ड जो है वो गायब है तो हम टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% डॉट और कुछ ना लिखा होता तो यहाँ पर मैं 6/12 ना करती, यहाँ पर मैं कुछ भी ना करती, ऐसी रहने देती, मैं टाइम पीरियड को कंसीडर ही ना करती। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है आपको। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, आपको देख के क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा बट कई बार क्वेश्चन में ऐसी बारीकियां ये लोग डाल देते हैं जिससे बच्चा सब कुछ जानते परखते भी गलती कर देता है। तो आपको क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली रीड करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। फाइन, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कंसेप्ट सिखाती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बेसिकली तीन मेथड्स हैं, आज हम तीनों कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, सो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के तीन तरीके होते हैं, एवरेज पीरियड, सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को स्टार्ट करने से सबसे पहली चीज, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट टाइम पीरियड 6 months, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बताया, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5%। ठीक है, तो आपको एवरेज 6 months का देना है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं एवरेज 6 months। आपको ज्यादा कोई वो हो रही है कि यार पता नहीं टीचर कंसीडर करेगी नहीं करेगी, वैसे हर जगह यही रूल अप्लाई होता है। एल्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के नीचे एक छोटा सा नोट लिख लो, वी हैव अज्यूम्ड टाइम पीरियड ऑफ एन एवरेज ऑफ 6 months। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप 12 साल का लगा दो, 12 महीनों का लगा दोगे या कुछ, है 6 months एवरेज टाइम पीरियड जो हर जगह कंसिडर किया जाता है। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के, बाकी दोनों मेथड तो बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा बहुत जो भी झोल है वो इसी मेथड में है, एवरेज पीरियड मेथड। इसमें भी अगर एक बार आप ये टेबल समझ लोगे तो आपको इसको याद करने की या कुछ भी करने की कोई नीड नहीं है, मैं आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फाइन, एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है कि हम एक एवरेज पीरियड निकालते हैं। आपको जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर आपको 5% दियो तो आप 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकाल लगाओगे, ड्रॉइंग्स इंटू 5/100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, यही करोगे ना आप। तो अब इस केस में क्या होता है कि हम ये वाला टाइम पीरियड जो है, ये वाला, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन, इस मेथड को लगने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली ये कि जो इंटरवल है, इंटरवल इक्वल होना चाहिए अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स भी इक्वल होनी चाहिए। फाइन, लाइक मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पहली ड्रॉइंग्स जो है वो 1 January को करी है, फिर मैं 15 February को कर रही हूँ, फिर मैं 20 June को कर रही हूँ, फिर मैं 30 August को कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर मैंने पहली ड्रॉइंग जो है वो 1 January को करी है तो सेकंड मैं 1 February को करूंगी या फिर अप्रैल को करूंगी, लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ऐसा कोई जो है टाइम पीरियड जो है वो सेम होना चाहिए। लाइक हर 3 महीने बाद मैं 10,000 रुपए निकाल रही हूँ या हर 2 महीने बाद मैं 10,000 रुपए निकाल रही हूँ, टाइम पीरियड जो है वो ऐसे ही होना चाहिए प्लस अमाउंट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम पर 10,000 निकाल रही हूँ, फिर 5,000, फिर 7,000, फिर 8,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड लगने के लिए। अगर ये दो कंडीशंस आपकी नहीं लग रही हैं तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसको लगाने के लिए इसमें ये केसेस होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली एट दी बिगनिंग ऑफ 6 months एंड मंथली एट दी एंड ऑफ 6 months। इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इन तीनों की बात करते हैं जो कि मैंने आपको अभी समझाया है कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है। बेसिकली मंथली मतलब हर साल की बिगनिंग में, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ आई एम
withdrawing an amount of 5,000 at the beginning of every month. मैंने 1 जनवरी को भी 5,000 निकाले, 1 फरवरी को भी 5,000 निकाले, 1 मार्च को भी 5,000 निकाले एंड सो ऑन, और मैंने 1 दिसंबर को भी 5,000 रुपए निकाले. तो इसमें अब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज. अब टाइम लेफ्ट का क्या मतलब है, इसके लिए एक छोटा सा तरीका है समझने के लिए. 12 महीने होते हैं एक साल में, यहाँ पर ऐसे डॉट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आपने ये डॉट्स जो है वो बना ली. अब क्वेश्चन ने सबसे पहली चीज आपको क्या बोली है, मंथली बिगनिंग, मतलब मैं हर महीने की स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. मतलब मेरी सबसे पहली ड्रॉइंग कब होगी, यहाँ पर फर्स्ट, और सबसे लास्ट ड्रॉइंग कब होगी, ये मंथ के एंड में. अब मैं मंथ की बिगनिंग में निकाल रही हूँ, मंथ की बिगनिंग में निकाल रही हूँ मतलब मैंने 1 जनवरी को निकाला है, तो वो पैसा मैंने कितने टाइम यूज किया होगा, पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 मंथ्स मैंने उस पैसे को यूज किया. अब मैं 1 दिसंबर को निकाल रही हूँ, तो मैंने उस पैसे को कितने टाइम यूज किया, पूरा दिसंबर, तो पूरा 1 महीना मैंने उस पैसे को यूज किया. तो ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग और ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग. अब मेरे को टाइम पीरियड निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करना है, दैट इज 12 + 1 / 2, दैट इज 6.5, और 6.5 ही मैंने लिखा है टेबल में. अब मैं इसको कैसे करूंगी कि यहाँ पर ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है वो इंटू 5/100 इंटू 6.5/12 इंटू 12, क्योंकि ये जो 5,000 है ये 1 महीने का पैसा है और मैंने 12 महीने तक निकाला है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है. कई बार हम ये करना भूल जाते हैं, इंटू 12, इंटू 4, इंटू 2, ये भी करना बहुत जरूरी होता है. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई है कि एवरेज पीरियड जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप इस टेबल को लर्न करो, इस टेबल को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर आपको इससे नहीं समझ आया है, मैं क्वार्टरली का भी एक केस एक्सप्लेन करती हूँ, और बिल्कुल जब तक क्लियर ना हो तब तक हटना नहीं है हमें, ठीक है. अगर कुछ भी अब भी अनक्लियर होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. तो अब हम क्वार्टरली का केस लेके चलते हैं, पहले वही सेम डॉट्स बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फाइन. अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हुआ आपका एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, ये हुआ आपका सेकेंड क्वार्टर, ऐसे ही एक क्वार्टर और, एंड देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हुआ आपका लास्ट क्वार्टर, ठीक है. ये क्वार्टर्स वाला सीन समझ आया, टोटल हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है. तो अब इसमें आता है, वो कह रहा है कि आप हर क्वार्टर की बिगनिंग में ले रहे हो. क्वार्टर की बिगनिंग क्या होगी, इस केस में क्वार्टर की बिगनिंग होगी जनवरी, इस केस में क्वार्टर की बिगनिंग होगी अप्रैल, इस केस में क्वार्टर की बिगनिंग होगी जुलाई, इस केस में क्वार्टर की बिगनिंग होगी अक्टूबर. क्वार्टर की बिगनिंग मतलब बिगनिंग वाला मंथ आप ले रहे हो, फाइन. तो अगर वो कह रहे हैं कि क्वार्टर की बिगनिंग मतलब कि मैं यहां पर जो है अपनी फर्स्ट ड्रॉइंग्स कर रहा हूं, तो मतलब कितना टाइम बचा मेरे पास, 12 मंथ्स अभी हमने काउंट किया था. फिर वो कह रहा है एट द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग लास्ट क्वार्टर की बिगनिंग में हुई होगी, यानी कि यहां पर अक्टूबर, यहां पर. अब उस पैसे को मैंने अक्टूबर यूज किया, नवंबर यूज किया, दिसंबर यूज किया, 3 महीने यूज किया, एवरेज लिया 12 + 3 / 2, दैट इज 15 / 2, दैट इज 7.5, मेरा आंसर आ गया. बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको ये समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है. अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आपको इस टेबल की जरूरत ही नहीं है, आपको वो जो मर्जी टाइम पीरियड दे दे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चन, ठीक है. अब मैं एक मिडिल वाला केस भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, ताकि आपको कोई भी चीज में कुछ भी दिक्कत ना आए.
ठीक है, अब मिडिल वाला केस हम हाफ ईयरली का लेंगे। बेसिकली हाफ ईयरली क्या है, पहले मैं वही अपनी डॉट्स बनाऊंगी। डॉट्स बनाने से और कुछ नहीं है, लाइक अभी आप सीख रहे हो तो डॉट्स बनाने से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। एक बार जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आप दिमाग में ऑलरेडी भी कर सकते हो, बस डॉट्स बनाना है। अभी आप सीख रहे हो इसलिए आप डॉट्स बना के ही प्रैक्टिस करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फाइन। अब अगर मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, कितने मंथ्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है मेरा एक हाफ ईयर। देन जुलाई से लेकर दिसंबर तक मेरा हो गया सेकेंड हाफ ईयर। टोटल 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, टोटल 12 महीने होते हैं, तो 6-6 महीने के दो पीरियड्स आते हैं। अब उसने बोला है हाफ ईयरली, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर की बिगिनिंग कब हो रही है? जनवरी में। मैंने जनवरी में निकाल लिए, 12 महीने बचे। सेकेंड हाफ ईयर की बिगनिंग कब हो रही है? जुलाई में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां पर मैंने निकाल लिया। कितने मंथ्स बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचे मेरे पास। फाइन, 12 + 6 / 2 = 9 months। क्लियर? बहुत सिंपल है बस। हाँ तो गाइज, आई होप आपको ये हाफ ईयर वाला सीन है वो भी क्लियर होगा। अब हम एक मिडल और एंड का केस भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हम बिगनिंग ऑफ 6 months एंड एंड ऑफ 6 months करेंगे और ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। फाइन, अब हम अगर मैं मंथ की बिगनिंग कर लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब वो कह रहा है कि मैंने जनवरी 15 को ड्रॉइंग्स करी हैं, फरवरी 15, मार्च 15 एंड सो ऑन एंड दिसंबर 15। ठीक है, मतलब मैंने अभी ड्रॉइंग्स करी है, मेरे पास टाइम कितना बचा है? 15 दिन जनवरी के और बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 महीने। 15 दिन कितना होगा? आधा महीना और 11 महीने, यानी 11.5 months। इसको हम ऐसे लेते हैं, 11.5 months। और दिसंबर के बाद 15 दिसंबर को करिए, मेरे पास सिर्फ आधा महीना बचा है, यानी कि 0.5 months। 11.5 + 0.5 / 2 12 / 2 = 6 ये है आपका मंथ्स का मिडिल का सीन। यही अगर वो कहे कि जनवरी 31, फरवरी से 28, मार्च 31 एंड सो ऑन दिसंबर 31, इसमें ये डेट्स मैटर नहीं करेंगी कि आप कहो जी मैम ने तो कहा था कि सेम डेट्स होनी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, ये वाला पीरियड तो सेम है ना। ठीक है, जनवरी 31 को करिए उसने, मतलब अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसने इस डेट को करी है और इसके बाद उसने बिल्कुल एंड पे करी है, मतलब जनवरी को उसने पैसा खर्च नहीं किया, तो वो यहाँ से पैसा खर्च करना शुरू करेगा। उसके पास बचे 11 महीने और फिर उसने यहाँ पर बिल्कुल एंड में जाके करी है जब उसके पास बचे 0 months, तो 11 + 0 / 2 = 5.5। आई होप आप सबको बिगिनिंग, मिडल एंड एंड का जो केस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। इट्स क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये। अभी मैं जितना टाइम लगा रही हूँ आपको क्वेश्चन को समझाने में, जब आप एग्जाम में ये कर रहे होंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इस कंसेप्ट की, बहुत सिंपल है। अगर आपको अब भी कोई चीज अनक्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको दोबारा लूंगी, मैं पर्सनली आपको समझा दूंगी वो चीज। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब हम इन दोनों केसेस पे आते हैं जो मैंने आपको फॉर द टाइम बीइंग के लिए छुड़वाए थे, मंथली बिगनिंग ऑफ 6 months एंड मंथली एंड ऑफ 6 months। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको कह देता है राम ड्यू 5000 फॉर दी इन दी बिगनिंग ऑफ एवरी बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है कि बिगनिंग 6 months, इन दी बिगनिंग ऑफ एवरी स्टार्टिंग 6 months, मतलब कि उसने सिर्फ यहीं तक ड्रॉइंग करी है,
उसने पहली ड्राइंग करी है जनवरी 1 को और आखिरी ड्राइंग उसने करी है जून 1 को, बस खत्म। उसके बाद उसने ड्राइंग्स नहीं करी है, तो आप उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? जरूरी नहीं है ना कि मैं 12 के 12 महीने इंटरेस्ट लगाऊं, 12 के 12 महीने ड्राइंग्स लूं। क्या पता मैंने पहले के 6 महीने ड्राइंग्स करी हो, बस मेरा काम खत्म हो गया, उसके बाद मैंने जुलाई से ड्राइंग्स करनी बंद कर दी हो। फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने जनवरी 1 को किया, तब थे 12 महीने। मैं ये नहीं कह रही कि आपका बिजनेस ही शट डाउन हो गया, बिजनेस ही आपका 6 महीने में शट डाउन हो गया। अगर बिजनेस शट डाउन हो जाता तो आप यहाँ पे 6 मंथ्स ही लेते, बट आपका बिजनेस तो पूरा टाइम चला है ना, आपने वो पैसे जो है वो यूज तो पूरे 12 महीने करे है ना। इट्स जस्ट दैट कि आपने 6 महीने के बाद और निकालने बंद कर दिए। यहाँ पर करी और यहाँ पर अब आपने ड्रॉइंग करी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 + 7 / 2, 9.5। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। इट्स जस्ट दैट मंथली बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स आप 6 बार ड्रॉइंग करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो into 6 करें। एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स में क्या हो जाएगा कि वो कह रहा है आपको इन द बिगनिंग का केस लिखू ना, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी एंड के 6 मंथ्स। लाइक आपने जनवरी टू जून नहीं करी, आपने पहली ड्रॉइंग करी है जुलाई 1 को और आखिरी ड्रॉइंग करी है डिसेंबर 1 को। एंड का मतलब यह है कि आपने एंड के 6 मंथ्स में ड्राइंग स्टार्ट करी है। जनवरी में आपको कोई जरूरत नहीं थी पैसों की, जनवरी टू जून आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, जुलाई में आपको एकदम से पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए आपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। मतलब आपने यहाँ पर करी पहली ड्रॉइंग, तो आपके पास कितने मंथ्स बचे? 6 मंथ्स। और यहाँ पर आपने करी सेकेंड ड्रॉइंग, तो यहाँ पर आपके पास कितने पैसे बचे, कितने महीने बचे? 1 मंथ। 6 + 1 / 2 दैट इज 3.5। हियर इट इज। फाइन, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। मंथली एंड बिगनिंग ऑफ 6 मंथ्स, एंड ऑफ 6 मंथ्स जनरली ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ क्वेश्चन डालना हो या बच्चे को कंफ्यूज करना हो तो वो ये डाल सकता है। तो आप प्लीज लैंग्वेज देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें हाफ ईयरली का केस लगना है या ये वाला केस लगना है। प्लीज बी वेरी थॉरो विद दिस कंसेप्ट। एवरेज पीरियड मेथड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हो ये टॉपिक। अब इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका प्रोडक्ट मेथड का, वो बहुत सिंपल है। एवरेज पीरियड थोड़ा सा टिपिकल है बट प्रोडक्ट मेथड बहुत सिंपल है, इसको फटाफट से नोट कर लो, मैं प्रोडक्ट मेथड करवाती हूँ। तो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बहुत सिंपल होता है, इसमें बस आपको ऐसे कॉलम बनाने होते हैं टेबल के साथ, डेट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, मंथ लेफ्ट का कॉलम और प्रोडक्ट का कॉलम, बस जिसमें से ये दो कॉलम आपको क्वेश्चन से मिलते हैं, ये दो कॉलम आप फिल कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब आप कहेंगे कि मैम हम यहाँ पे एवरेज पीरियड क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ना अमाउंट इक्वल है ना टाइम यूनिफॉर्म है। तो इसमें सिंपल मेथड, लाइक आप ऐसे करोगे कि फर्स्ट में कितने महीने का ड्रॉइंग्स हुई वो, प्लस जुलाई में, प्लस ये, तो ऐसे करते करते आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट तो नहीं करनी होगी ना, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए इस चीज को शॉर्टर करने के लिए हमें एक मेथड मिला है, प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम ऐसे करके टेबल बनाते हैं और टेबल में सारी डिटेल्स फिल करते हैं। फर्स्ट मे को 10,000 रुपए विड्रॉ करे मैंने, फर्स्ट जुलाई को मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ करे, फर्स्ट नवंबर को मैंने 3,000 विड्रॉ करे और फर्स्ट फेब को मैंने 2,000 विड्रॉ करे। फाइन, अब इसमें आपको मंथ्स लेफ्ट, जैसे कि हमने एवरेज प्रोडक्ट में फाइंड आउट करे थे कि मे में करने के बाद मेरे पास कितना महीने जो मैं पैसे यूज कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन के लिए, उसी के बेसिस पर आप ड्रॉइंग्स का मंथ जो है वो कैलकुलेट करोगे। अब अगर मैं मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल आया मेरे पास 11 मंथ्स। जुलाई करूं अगर मैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ्स। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी मार्च 2 मंथ्स। अब प्रोडक्ट हमें लेना होता है अमाउंट इनटू मंथ्स, इनका आपको लेना होता है यहाँ पर प्रोडक्ट। इस मेथड में बस थोड़ी सी स्टेप्स हैं कि स्टेप्स को समझ लो, थोड़ी टेक्निकलिटी है, अगर आप ये समझ लोगे
तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो कुछ है तो आपको सिंपल तरीका करना पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। सो माय सजेशन टू यू इज कि प्लीज इस मेथड को समझ लो, ठीक है। 10,000 × 11 4,000। गाइज सम टोटल करो इसका और बताओ कितना आ रहा है। 1,10,000, 45,000, 15,000, 60,000, 64,000, 1,74,000। बस ये आपके पास आ गया ना, मेन ये अमाउंट चाहिए होता है आपको। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस अमाउंट का एक साल का इंटरेस्ट निकालना है, एक महीने का। 174 × 12/100 × 1/12 बस ये करना है आपको। 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1740 ये आपका इंटरेस्ट आ गया। इस अमाउंट पे जो प्रोडक्ट का सम करने पे अमाउंट आएगा उसका एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है। एंड दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हो, इसको घर पे ट्राई करो सिंपल मेथड से, तो ये चीज आपकी वेरीफाई भी हो जाएगी कि आपका प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल ठीक लगा है। फाइन, तो आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करूंगी। आज के इस लेक्चर में हमने मेनली दो चीजें सीखी हैं, एक एवरेज पीरियड से और प्रोडक्ट मेथड से। और पहले हमने थोड़ा रेंट और कमीशन के पॉइंट्स पढ़े थे, वो माइनर पॉइंट्स थे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए नया है। एवरेज मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्लीज इसे थोड़ा रिवाइज करो। और नेक्स्ट वेंसडे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी पास्ट एडजस्टमेंट का, जो 101% आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। सो ट्राई नॉट टू मिस दैट लेक्चर। थैंक यू गाइज। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखना।